बदलती लाइफस्टाइल का लोगों के रोजाना के कामकाज में बहुत असर पड़ता है। मौजूदा वक्त में लोग ना तो अपने खाने पीने का ध्यान रख पाते हैं और ना ही सुकून की नींद ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ काम का बोझ उन्हें सिर्फ तनाव में ढकेल रहा है। इन सब नकारात्मकता की वजह से शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है और उसमें से एक परेशानी है शारीरिक कमजोरी। ऐसे परेशानी के कारण व्यक्ति संबंध बनाने के दौरान अपने पार्टनर को पूर्ण खुशी नहीं दे पाता। कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि एक अच्छा शारीरिक संबंध कितनी देर तक का होना चाहिए। बता दें कि जो सवाल आपके मन में उठ रहा है उसका जवाब जानने के लिए एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च से ये बात पता चली कि संबंध बनाने की सही और औसत अवधि 3 मिनट है। अगर आप इस ड्यूरेशन को पूरा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आप 3 मिनट से कम वक्त के लिए ही शारीरिक संबंध बना पाते हैं तो ये चिंता की बात है। इतना ही नहीं, शारीरिक संबंध बनाने की अवधि अगर 3 मिनट से ज्यादा हो जाती है तो ये भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शारीरिक संबंध बनाने का फैसला आपके और आपके पार्टनर का है और इसकी अवधि कितनी लंबी होगी ये आप दोनों के संबंधों की गहराई पर निर्भर करता है। आप शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि शारीरिक कमजोरी और मानसिक तनाव की वजह से लोग इंटीमेट पलों को सही से एंजॉय नहीं कर पाते। अगर 3 मिनट से कम वक्त तक ही आप शारीरिक संबंध बना पा रहे हैं तो आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।